हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज पर्टेन टू द मूड ऑफ द वर्ब। दे आर लाइक हेल्पिंग वर्ब्स। दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग लाइक परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ओपिनियन, ऑब्लिगेशन, necessity, etc. Helping verbs used in tenses are called primary auxiliaries, whereas modals are called secondary auxiliaries. बच्चों, मॉडल क्या होते हैं? मॉडल जो होते हैं वो हमारे वर्ब के मूड या मोड को दर्शाते हैं, ठीक है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अगर हमें सेंटेंस में परमिशन शो करनी है, या हमें किसी की एबिलिटी दिखानी है, या हमें अपना ओपिनियन दिखाना है, या नेसेसिटी दिखानी है, तो हम किसके थ्रू दिखाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो टेंसेस में यूज़ आते हैं, तो इसलिए उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है। और मॉडल जो होते हैं वो हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज उनको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, एक्सेट्रा, ये सारे मॉडल्स हैं या मॉडल्स कहलाते हैं। विल और वुड, अब ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम इन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वी यूज विल एंड वुड टू आस्क समवन टू डू समथिंग। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, विल यू शट द विंडो प्लीज, ठीक है। अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे हम विल या वुड का यूज़ करेंगे, जैसे कि क्या तुम वो विंडो बंद कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। ये इसका एग्जांपल था। टू मेक अ सजेशन और ऑफर टू डू समथिंग, इसका एग्जांपल वुड यू लाइक मी टू क्लियर द टेबल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपका टेबल साफ़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि परमिशन ले रहा है या सजेशन दे रहा है कि क्या मैं आपका टेबल साफ कर सकता हूँ। शैल इज नॉर्मली यूज विद आई एंड वी। आई शैल राइट अ लेटर। अब शैल जो होता है ये नॉर्मली बताया जा रहा है, जैसे हम पहले पढ़ा था हमने फ्यूचर टेंस में कि शैल यूज होता है आई के साथ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आई शैल राइट अ लेटर, वो कह रहा है कि मैं लेटर लिखूंगा। विल इज नॉर्मली यूज विद ही, शी, इट, दे, यू एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। विल जो होता है वो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे लोगों के लिए यूज़ होता है। शैल जो होता है वो हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। अब हम विल का एग्जांपल समझ लेते हैं। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। इफ देर इज सडनली इन एक्शन देन शैल इज यूज विद ही, शी, इट, दे, यू एंड All other subject। देखो बच्चों, शैल जो है वैसे मोस्टली हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि कहीं पे कोई एक्शन है जो श्योरली होना है या होने वाला है, तो वहाँ पे हम शैल किसके साथ लगा सकते हैं? ही, शी, इट, दे, यू के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि शी शैल मीट यू बाय ऑल मीन्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक्शन होने वाला है, सडनली मतलब श्योरली, जैसे कि बताया जा रहा है कि वो तुमसे मिलेगी, वो तुमसे पक्का मिलेगी, तो शी शैल मीट यू बाय ऑल मीन। इफ देर इज सडनली इन एक्शन देन विल इज यूज विद आई एंड वी। अब सडनली कुछ चीज हो रही है, जैसे मैंने कुछ करना है, मेरा मतलब मैंने ठान लिया है कि मैंने कुछ करना है, तो मेरे साथ भी विल यूज हो सकता है, वी के साथ भी विल हम यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम आई के साथ शैल लगाते हैं, वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई काम करना है, मैंने ठान लिया है, तो मैं अपने साथ भी आई के साथ भी विल का यूज़ करूँगी। जैसे आई विल डेफिनेटली गो देयर, मैं वहाँ पक्का या मैं वहाँ डेफिनेटली जाऊँगा ही जाऊँगा, तो मैंने अपने साथ क्या यूज़ किया, विल का यूज़ किया, आई के साथ विल का मैंने यूज़ किया। वुड इज़ यूज इन रिपोर्टेड स्पीच एंड कंडीशनल क्लॉजेस, ठीक है। जहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। यू सेड यू वुड बी लेट, अब वो कह रहे हैं कि तुम श्योर नहीं थे कि तुम लेट हो, तो वो कह रहा है कि तुमने कहा था कि तुम लेट होगे, ठीक है, हो सकता है टाइम से पहले आ गया हो, तो मतलब वो खुद भी श्योर नहीं था कि मैं लेट आऊँगा या टाइम से आऊँगा, तो वो कह रहा है यहाँ पे कि तुमने कहा था कि तुम लेट होगे। अब कैन एंड कुड
इसके यूसेज हम समझ लेते हैं कि हम कैन कहाँ पे यूज़ करते हैं. वी यूज़ कैन टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी. ठीक है, जैसे कि शी कैन पेंट वेल. हम किसी की एबिलिटी, किसी की काबिलियत को दर्शाते हैं तो हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं. जैसे कि यू कैन पेंट वेल, तुम अच्छे से पेंट कर सकती हो. हम उसकी एबिलिटी को दर्शा रहे हैं, हम उस लड़की की एबिलिटी को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें वो काबिलियत है कि तुम अच्छे से पेंट कर सकती हो. टू एक्सप्रेस दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग. अब हम किसी को बता रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तुम ये चीज़ करने के लिए अलाउडेड हो या तुम्हें इस चीज़ के लिए परमिशन मिली हुई है. जैसे कि यू कैन वॉक टू स्कूल टूडे. अब वो बच्चा शायद बस से जाता हो तो वो उसको बता रहे हैं कि आपका स्कूल तो पास ही है, तो यू कैन, आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो स्कूल तक आज. टू आस्क फॉर परमिशन. ठीक है, कैन और कुड का यूज़ हम परमिशन लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कैन कुड आई यूज़ योर पेंसिल. ठीक है, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ. वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, कैन और कुड का यूज़ करेंगे. टू मेक सजेशन, किसी को सजेस्ट करना है, वहाँ पे भी हम कैन का और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई कैन और कुड हेल्प यू इफ़ यू लाइक. वो कह रहा है कि मैं सजेशन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो. टू इंडिकेट दैट समथिंग इज टिपिकल. अब किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना कि वो टिपिकली है, तो वहाँ पे भी हम कैन या कुड का यूज़ करेंगे. जैसे कि ही कुड बी वेरी मूडी. ठीक है, अब वहाँ पे वो बता रहा है कि वो मूडी हो सकता है, तो वो क्या बता रहा है, वो मूडी हो सकता है. यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया. नाउ लेट्स कम टू मे और माइट. अब इसके यूसेज समझ लेते हैं हम. वी यूज़ मे टू आस्क फॉर परमिशन. ठीक है, अब हम परमिशन ले रहे हैं किसी से तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे. जैसे कि मे आई गो आउट टू प्ले. अब एक बच्चा है, शायद वो अपनी टीचर से पूछ रहा है कि क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, तो वहाँ पे उसने किसका यूज़ किया, मे का यूज़ किया. जैसे आप लोग भी बच्चों स्कूल में बोलते हो ना, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर. ठीक है, तो हम परमिशन ले रहे हैं अपनी टीचर से कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ. अब सेकंड है आपका टू टेल समवन दैट ही हैज़ द परमिशन टू डू समथिंग. अब हम किसी को बता रहे हैं कि मेरे पास ये परमिशन है ये काम करने की, तो कैसे बताएंगे, यू मे गो आउट टू प्ले, तुम बाहर खेलने जा सकते हो. मतलब तुम्हें परमिशन है कि तुम बाहर खेल सकते हो या खेलने जा सकते हो. टू से दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मान लो बारिश हो सकती है, ठीक है, कल बारिश हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम मे माइट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम श्योर नहीं है कि बारिश हो सकती है कि नहीं, कल मैं आऊँगा कि नहीं, कल वो वहाँ जाएगा कि नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम मे माइट का यूज़ करते हैं. एग्जांपल समझ लेते हैं, इट मे माइट रेन टुनाइट. ठीक है, जैसे बताया था वो सोच रहा है, एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हो सकता है आज रात बारिश हो, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ किया है, मे माइट का यूज़ किया है कि इट मे माइट रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है. बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस भी आपको खुद से करनी पड़ेगी.